सुनो सीता, काम हुआ कि नहीं? अभी हो जाएगा भाभी, गुस्सा ना करो, अभी मैं कर देती हूँ। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, सुबह से मैं नाश्ते का वेट कर रही हूँ, अभी तक नाश्ता बना कि नहीं बना? भाभी नाश्ता तो बन गया है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, मैं लेके आती हूँ अभी आपके लिए। अच्छा तो तुम्हारे नाश्ते के लिए मुझे वेट भी करना पड़ेगा? तुम ससुराल में अपने ऐसे ही रहती हो, सास को ऐसे ही वेट कराती हो? भाभी ससुराल की बातें ना करो, ससुराल में क्या होता है क्या नहीं होता, आपको नाश्ता चाहिए, मैं नाश्ता लेके आती। अच्छा तो तू जुबान भी लड़ाने लगी? नहीं भाभी, मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, बस बता रही हूँ कि आप फालतू में गुस्सा कर रही, बस मैं ला ही रही थी आपके लिए नाश्ता। इतनी औकात की तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? तो पता था तेरी माँ ने यही सब सिखा के गई है कि ताकि ऐसे ही भाभी के साथ करना, ताकि भाभी को छोड़ के अपने मायके चली जाए। अरे भाभी आप क्यों ऐसे बोल रही हो, मम्मी मुझे क्यों ये सब सिखाएगी, मैं तो खुद यहाँ पे हूँ, फिर आपके लिए ऐसा क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। डायन कहने की तू आके मेरे घर में एक तो बैठ गई है, उसके बाद से मेरे से ही जवान लड़ाती है। मुझे दो मिनट में नाश्ता नहीं दी तो तेरी तो खैर नहीं। डायन कहीं का दे, और दो दिन में अपना बुरिया बिस्तर पैक करो, अपने ससुराल जाए, यहाँ तेरे बाप का रखा हुआ नहीं है कि तू बैठ के यहाँ पे खा रही है। भाभी आप ऐसा ना बोला करो, मेरा दिल दहल जाता है, मैं कहाँ जाऊँ ससुराल में ऐसी हालत, और मायके में आप आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी क्या गलती है, जो दहेज आप ही लोगों ने नहीं दिया उसमें मैं क्या करूँ? अच्छा तो तेरा बाप कमा के रखा था क्या कि मैं दहेज दे करके तेरी शादी करूँ, जितने की तेरी औकात थी उतने में मैंने शादी किया तेरा? तो फिर भाभी आप लोग हमें ही क्यों बार बार ब्लेम करते हो, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, वो भी उधर दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, आप ही बता दो। जहन्नुम में जाओ, कहाँ जाएगी? हमारी किस्मत ही इतनी खराब है, मैं क्या करूँ ये भगवान। सुन अब तेरी नौटंकी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, दो मिनट में सविता यहाँ से निकल, वरना तेरी तो खैर नहीं, आज मैं दिखा दूंगी कि भाभी भी क्या होती है मायके की। मैं तो आपको बहुत अच्छी समझती थी, मैं सोचती थी चलो और कोई नहीं, भाभी भी एक माँ समान होती है, लेकिन आप भी मेरे साथ ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ? अपने पति को बुला और जा यहाँ से। ठीक है भाभी, कोशिश करती हूँ, अब जो होगा सो वहीं देखा जाएगा, अब नहीं आऊंगी यहाँ पे। हेलो आप कहाँ हो जी, आप आओ और मुझे ले चलो यहाँ से, बहुत हो गया, मैं किधर जाऊँ, आपके घर आपकी माँ परेशान कर रही है, बहन परेशान कर रही है, और मायके में मैं कब तक रहूँगी, प्लीज आप आओ, आप अपने पास लेकर के मुझे चलो। ठीक है मैं आता हूँ, देखता हूँ, तुझे ले चलता हूँ अपने पास, लेकिन मम्मी दीदी भी तो नहीं मानेंगे, मैं तुझे अपने पास ला दूंगा तू। तो मैं क्या करूँ आप ही बताओ, आप ही कुछ सोल्यूशन दो, मैं किधर जाऊँ, मुझे जहर दे दो, मैं मर जाऊँ खा के, आखिर मैं क्या करूँ? अरे ऐसी बात नहीं है, कुछ दिन और बर्दाश्त कर ले मम्मी दीदी की बातें, उसके बाद से मैं तुझे अपने पास लेके ही आऊंगा। नहीं आपको आना है तो आओ, प्लीज जल्दी आओ आप। अबे आएगा कि नौटंकी करेगा, लेके जा इसको। ठीक है मैं आता हूँ। क्या हो गया, इतनी क्या बातें हो गई तुम लोगों की? आप आ गए, आप बहुत अच्छा किए यहाँ आकर के, अब मुझे अपने पास लेकर के चलो, मैं कहीं नहीं रहूंगी, ना मायके में रहूंगी ना ससुराल में रहूंगी। हाँ हाँ नसेड़ी लेके जा इसको, पागल करके रख दी है तेरी बीबी ने यहाँ पे, अब देखो तब मुँह उठा के चली आती है और कुछ दिन बाद तेरा भी आना जाना शुरू हो जाएगा। अरे भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, नसेड़ी हम नसेड़ी थोड़ी ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति को नसेड़ी बोलने की, थोड़ा भी बोलने में शर्म नहीं आई आपको? मुझे बोली तो ठीक है चल गया, लेकिन मेरे पति को कैसे बोल दी, अच्छा हो बुरा हो मेरा पति है मेरे लिए। तेरी इतनी औकात, तूने मुझे चाटा मारा? हाँ मेरी औकात बन गई है, मैं ऐसे ही आपको पहले चाटा दे दी होती तो ये दिन नहीं आए होते। अच्छा तो ले मैं तुझे छोड़ूंगी क्या? मैं भी नहीं छोड़ूंगी आप। अरे आप सब दोनों लड़ना बंद करो, रहने तो भाई मेरे लिए हुआ था ये सब चीजें, बंद करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो तुम यहाँ से। आज तो मैं छोड़ूंगी। मैं कौन सा छोड़ने वाली तू, अब तो भूल के भी तुम्हारे के पैर नहीं रखेगी, तेरी ऐसे दिन दिखा दूंगी। तो कौन सा मुझे आना ही है तुम्हारे घर पे, अब नहीं आऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन नहीं आऊंगी तुम्हारे घर पे। हाँ ठीक है जा भाग यहाँ से, डायन कहीं की।